लग रहा मैं तो कह रही लेकर 10 मिनट के लिए आई, लेकिन मैं कह रही कि मैं अपना सिलाई करवा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेर खुशियाँ दे। तो प्लीज़ सबके लिए दुआ किया करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी एक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखे बच्चों की मैंने शॉपिंग की थी, सोचा आप सबके साथ वो भी शेयर कर लूँ और साथ में ब्लॉग भी बना लूंगी। और खतीजा देखो क्या कह रही, कह रही बच्चों की शॉपिंग की, ये देखे मेरी खतीजा बेटी की है ये फ्रॉक है। खतीजा आप दिखाएं ऐसे करके, ऐसे छोड़ो दे, ये देखे पतली खतीजा को कैसी लग रही है। ऊपर से ना इसको मैंने नहलाया था, आज जुमा था ना, तो मेरी तरफ से आप सबको जुमातुल मुबारक। इसको नहलाया था ना तो इसने अभी चुटिया नहीं लगाई थी, क्योंकि आज इसकी दोस्त आई थी इसके लिए, इसके साथ खेलने के लिए, इसलिए इसने ना मुझसे चुटिया भी नहीं बनवाई, बस खेलती रही। अभी देखो इसके बाल कितने बुरे लग रहे हैं, चुटिया जो नहीं इसने बनवाई। और ये देखो दुआ के काम चेक करो, वो कह रही है कि मेरे साथ भी लगाओ। अच्छा आपको देखती हूँ, ठहरो। ये देखो मेरे साथ लड़ाई कर रही है, कह रही मेरे साथ भी ऐसे लगो, ये लो ऐसे ऐसे। वो कह रही है कि मेरी भी वीडियो कह रही है बनाओ, ये दुआ कर रही है। ये खतीजा का है, इस जैसा खतीजा का भी है, दुआ का भी है। उसको पता है ना कि मेरा भी सूट है, इसलिए उसने उसको पकड़ा हुआ है। ये रहा, खैर मैं भूल गई थी, वो उसी का ही है और ये खतीजा का है। वो देखो आपको दिखा रही है कि अपना सूट अभी खतीजा को दे रही है। खतीजा ये आपका सूट है, वो तो दुआ का था, मुझे लगा कि आपका एक जैसे सूट है ना, इसलिए ना मुझे पता नहीं पहले चल रहा था, अभी दुआ भी लगा रही है। खतीजा के साथ बहुत लड़ाई करती है, इसलिए मैंने ना दोनों के लिए सेम ही चीजें ले ली है। ये दोनों फ्रॉकें ली है सेम, अभी पहनाई नहीं है और अभी से गंदी हो रही है। ये देखे ये तो ऐसे ऐसे, लो जी ये देखे ये भी खदीजा का है, बहुत ही प्यारा लहंगा है, दिखाओ। अभी जो ये दुआ है ना, ये कमीज नीचे गिरी थी, अभी इसको ऐसे ऐसे साफ करी, साफ करो ऐसे ऐसे। ये बच्चे ना नए कपड़े देख लेना तो बस कहते हैं कि हाँ जी हमें अभी बस पहना दो, अभी रख देखते हैं, छोड़ो इसको। ये देखो मुझसे छीन रही, छोड़ो 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 बेटा, छोड़ तो फिर पहनाऊंगी ना कल को। ये देखो मेरे साथ लड़ाई कर रही है, फट जाने अभी पहना भी नहीं, पहले ही फाड़ने लगी बुरा बेटा। ये देखो कैसी इसको गुस्सा आ रहा है। ये लो, ये दूसरा सूट ले लो, इसका कलर पीच है ना इसलिए गंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने पकड़ ली। ये लो ये आपका, ये भी आपका, ये भी आप, ये दुआ का है लहंगा, ये दुआ का लहंगा। ये देख दुआ कितना प्यारा लहंगा है आपका, कि जब पीछे हो जाओ दुआ दिखाओ, लहंगा लहंगा दिखाओ अपना। लो जी वो तो अपना लहंगा लेकर जा रही है, आ वो कह रही आप दिखाओ, दिखा रही है आप सबको, आ कर रही है। अभी खतीजा के साथ उसकी लड़ाई भी होने लगी है, फैटिक जैसे खतीजा करती वैसे कर रही है। तो अभी मैं अपना जो मैंने न्यू ड्रेस लिया अपना, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा न्यू ड्रेस का दुपट्टा है, चलो मैं आप सबको ओढ़ कर दिखाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ये, नहीं कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि सिंपल सा है, बिल्कुल डिसेंट सा, इसलिए मैंने यही लिया है। और ये कमीज है बिल्कुल सादा है, ये देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। और ये इसका ट्राउजर है, मैंने तो बस ये सिंपल सा सूट लिया है। इतनी महंगाई, और जिस दुकान से मैंने लिया था ना उस दुकान का रेट भी फिक्स था, और मुझे ये सिंपल सा पसंद आया था, तो इसलिए ना मैंने फिर ये ले लिया। ये सिंपल सा है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई कढ़ाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा है। और ये दुपट्टा है थोड़ा सा, और ये सूट 3,000 का मिला है जो मैंने लिया है। चलो जी मैंने अपना सूट समेट कर रख दिया है, तो अभी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूट लिया है वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। जो मेरा हस्बैंड है ना ज्यादातर वाइट जो सूट होते हैं ना वो पहनता है, तो अभी मैंने उसके लिए ये सूट लिया है बॉस की का। अच्छा लग रहा है ना? मैं तो कह रही लेकर 10 मिनट के लिए आई, लेकिन मैं कह रही कि मैं अपना सिलाई करवा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। ये बॉस की का सूट है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। और ये मैंने आज
जूता भी नहीं हिल गया है। ये देखिए, इतना महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता जूता है, 700-800 का है, लेकिन है प्यारा। मैंने पहन कर देखा तो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो महंगा भी जूता पहनना और सस्ता भी पहनना, तो जूता है ना, चलो मैं यही ले लेती, तो पहले फिर ये ले लिया जूता। एक तो मेरा पाँव बहुत बड़ा है, इसलिए ना जो फुल साइज होता है ना वो मुझे आता है, तो जो मुझे जूता पसंद आता है ना वो मुझे मिलता भी नहीं है, मेरे साइज का होता नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अभी हस्बैंड साहब का सूट मैं ना दर्जी को देने लगी हूँ, क्योंकि साथ में ही हमारे ना दर्जी है, घर के साथ में ही उसकी दुकान है और साथ भी उसका घर है, तो अभी उनको दे देती हूँ, क्योंकि फिर सिलाई भी होना है। शुक्र है मैंने वीडियो बनाने के लिए निकाला था, और अभी मुझे याद आ गया कि चलो सिलाई करवाने के लिए दे देती, वरना पड़ा रहना था। 2-3 दिन हो गए मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया, उस वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, तो अभी मैंने कहा चलो अभी मैं व्लॉग बना देती, क्योंकि बिजी बहुत थी इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं था व्लॉग शूट करने के लिए, तो अभी मैंने व्लॉग बना दिया है, क्योंकि व्लॉग ना बनाने से ना मेरे चैनल भी काफी डाउन हो गया, तो अभी मैंने आप सबके लिए प्यारा से व्लॉग बना दिया है। तो ये देखे, ये मेरा लहंगा नहीं, मेरी खतीजा का लहंगा है, अच्छा है ना। वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं भी इस तरह का लहंगा पहनूं, लेकिन मैं इतनी बड़ी हूँ और मोटी भी बहुत, इतनी भी नहीं हूँ। ये देखे, खतीजा आ गई मेरे पास और कह रही है कि मुझे पहनाओ। अभी नहीं पहनना आपने, चलो लो जी, जो पहना हुआ है वो भी इस तरह का, ये इतना प्यारा सूट है जो आपने पहना है, न्यू सूट पहना हुआ है। लो जी, वो कह रही है ये गंदा भी हो गया, चलो ये दे दो उतार कर, मैं किसी को दे देती हूँ। अभी तो कह रही है लहंगा पहनने के लिए, लेकिन कंजूस बहुत है, कोई चीज देती नहीं अपनी किसी को। अभी शाम के 7 बज गए, अभी इस वीडियो को अपलोड भी करना है, और अभी मैंने खाना भी बनाना है, क्योंकि आज मुझे बहुत देर होगी खाना बनाने में, तो अभी मैंने ना खाना बनाना है, मैंने सोचा चलो पहले आप सबके लिए थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो अच्छा, मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।